आज हम आपके लिए गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक लड्डू लेके आए हैं। बहुत ही हेल्दी है, जो आपको गर्मियों में ठंडक भी देंगे, ताकत भी देंगे, कमजोरी भी दूर करेंगे, आंखों की जो थकान होती है उसको दूर करेंगे, सर दर्द, माइग्रेन की परेशानी और दिमाग को तेज करते हैं। तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये लड्डू है। इससे पहले भी हम आपके लिए गर्मियों के लड्डू शेयर कर चुके हैं, जिसको आपने बहुत ही पसंद किया है, उसमें बहुत ही अच्छे से आपने कमेंट किया है, आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही खुशी हुई। और जिन लोगों ने भी हमारी रेसिपी को ट्राई किया, उन लोगों को सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसे भी ट्राई करिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और स्वादिष्ट भी लगते हैं खाने में। और पसंद आई वीडियो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले हमने एक साबुत नारियल को कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो नारियल, ये सूखा नारियल जो आता है ना, वही हमें लेना है, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये जो नारियल है, ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, सर दर्द माइग्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद है और इससे खून भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है। एक कप हमने लिए है मखाने। तो मखाने से हमारी हड्डियां बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में भी मखाने खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, वजन कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और इससे अनिद्रा की परेशानी भी दूर होती है। हाफ कप हमने ये लिया है मगज, जिसे वाटरमेलन सीड भी बोला जाता है। तो ये भी जो है, ये सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। नींद अच्छी आती है, दिमाग तेज होता है, खून बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है इससे, और बालों को ये घना और लंबा करता है। तो बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद है। अभी हमने ली है 10 बादाम। तो अभी गर्मी के लिए लड्डू बना रहे हैं, इसलिए ज्यादा मात्रा में बादाम का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इतना बादाम तो आप डाल ही सकते हैं। अगर आप कुछ भी मीठा बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत बादाम डाल ही देते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या कोई डिजर्ट खाते हैं उसमें भी बादाम डाल देते हैं, तो इतना बादाम तो आप डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो बादाम खाने से हमारा हार्ट हेल्थी रहता है और ये भी हमारे दिमाग को तेज करती है, और कई अनगिनत इसके और फायदे भी है जो हम आपको हर वीडियोज में बताते ही है। एक चम्मच ये हमने ली है काली मिर्च। काली मिर्च खाने से भी जो हमारी मेमोरी पावर है वो तेज होती है और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है काली मिर्च। दो चम्मच हमने ली है सौंफ। तो सौंफ की जो तासीर होती है वो बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके पेट में ठंडक पहुंचाएगी, दिमाग में ठंडक पहुंचाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी और जो आपका डाइजेशन है उसको भी ये इम्प्रूव करेगी। अब एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम मखाने को डालेंगे, इसको हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मखाने को हमने इस तरीके से दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब उसी मिक्सर जार में हम डालेंगे वाटरमेलन सीड, बादाम, और इसे भी हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो इसको भी हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, इसे भी एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब इस मिक्सर जार में हम लेंगे चार इलायची, जो छोटी हरी इलायची आती है ना, वो ली है। इंग्रेडिएंट्स में आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाले, नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। तो इलायची की तासीर भी बहुत ही ठंडी होती है, इसीलिए ये सेहत के साथ साथ स्वाद को भी बढ़ाती है। इसमें डालेंगे सौंफ, काली मिर्च। अब इन्हें हमें दरदरा ग्राइंड नहीं करना है, इसको हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। अब गैस पर बर्तन में एक बड़ा चम्मच देसी घी लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मगज और बादाम का दरदरा पिसा हुआ पाउडर और इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भुनना है। तो देखिए, मगज में जो है, एक आते हैं खरबूजे के बीज और एक आते हैं तरबूज के बीज। हमने यहाँ पे लिए हैं तरबूज के बीज, लेकिन अगर आपको तरबूज के बीज नहीं मिलते हैं, खरबूजे के बीज मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। दोनों का सेम ही फायदे है। एक से डेढ़ मिनट तक इसको भुनने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे मखाने। तो देखिए, कुछ मखाने जो है हमारे वो साबुत रह गए हैं, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, खराब नहीं लगते हैं खाने में। तो मखाने डालने के बाद भी इसको हम थोड़ी देर और भून लेंगे। मखाना खाने से हड्डियां तो मजबूत होती ही है, उसके अलावा जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है ना, उन लोगों के लिए भी मखाने का सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मांसपेशियों की जो अकड़ाहट होती है ना, उसको भी दूर करता है। थकान, कमजोरी, कई सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये। तो थोड़ी देर इसको हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, जिसे गोला भी बोला जाता है।
और जो सौंफ, काली मिर्च और इलायची का पाउडर है इसको भी डाल देंगे और थोड़ी देर और इसको चलाते हुए हमें भून लेना है। नारियल को सबसे एंड में इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसको भूनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि नारियल तुरंत ही कलर चेंज करना शुरू हो जाता है उसको भूनते हैं। तो इस तरीके से सभी चीजों को भूनने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट तो आता ही है, इसके अलावा इसकी जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। तो बस इसको हमने भून लिया है, जैसे कि हमने कहा था कि इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो सभी चीजों को हम निकाल देंगे और एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। ये हमने एक कप ली है देसी खांड जो हल्की मोटी होती है, उसी बर्तन में हम इसको डाल देंगे। आधा कप हम डालेंगे इसमें पानी। तो थोड़ी देर हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। देसी खांड जो है ना उसकी तासीर बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, पेट में बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचाती है। आप चाहे तो इसकी जगह पे मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सेम पेट में बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचाती है और इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो थोड़ी देर हमने इसको पका लिया है, किस तरीके का होना चाहिए ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, बस ये चिपचिपी है। तो बस इस तरीके की कुछ हमें चाशनी चाहिए। अब गैस को लो पे कर देंगे और जो सारे भुने हुए हमारे इंग्रेडिएंट है इसको हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे। ध्यान रखना है आपको इस स्टेज पे आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाले ये लड्डू है, एकदम ईजी है, आप बहुत ही आसानी से और एकदम जल्दी बना सकते हैं इसको। अगर आप इसके लड्डू नहीं बनाना चाहते तो आप इसको पंजीरी की तरह भी खा सकते हैं, यानी कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने घी में भुना था ना, आप उसमें देसी खांड या फिर मिश्री को पीस कर डालकर मिक्स करके खा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, लड्डू भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए कितने जल्दी इसे मिक्स करते हुए ही ये चाशनी हमारी सोख हो गई है इसमें, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको। तो गैस को हम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल सोफ हो गई है। इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा करना है कि इसको हम टच कर सके। तो इसको हमने ठंडा कर लिया है, तो इतना ठंडा किया है कि इसको हम टच कर सके और इसके लड्डू बना सके। तो थोड़ा सा लेंगे और इसके लड्डू हमें बनाने हैं, बहुत ही इजिली बन जाते हैं देखिए। और छोटे छोटे साइज के ही लड्डू बनाएंगे, बहुत ज्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाएंगे ताकि एक इंसान आराम से एक लड्डू खा सके। तो ऐसे ही हमें सारे लड्डू रेडी करने हैं और आप लड्डू को जितने भी दिन रखोगे ना ये लड्डू ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो ये सारे लड्डू बनके हमारे रेडी हो गए हैं। तो रोजाना सुबह ब्रेकफास्ट में एक लड्डू दूध के साथ लीजिए और कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही रिलैक्स फील होगा। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आंखों में दर्द रहता है, आंखों में थकान रहती है, भारीपन रहता है, तो सभी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, मोबाइल लैपटॉप में ज्यादा लगे रहते हैं जिससे उनको जल्दी से चश्मे भी लग जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आंखों की थकान, कमजोरी, नींद ना आना, माइग्रेन, सर दर्द की परेशानी सारी आपकी दूर हो जाएगी। और ये देखिए लड्डू जो है हमारे वो कितने ज्यादा सॉफ्ट है देख सकते हैं, और ऐसे ही ये सॉफ्ट रहेंगे जितने भी दिन रखोगे। बस आपको चाशनी पे ध्यान देना है, जैसे कि हमने बोला कि तार नहीं लेना है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे तो लड्डू जितने भी दिन रखोगे ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे। तो गर्मियों के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो जरा से पसंद आई तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक करना ना भूले। अब आप मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।